नमस्कार, सेक्टर स्कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिंपिका आ रहा। तो बजट अब बहुत ज़रा दूर नहीं है, इसलिए सेक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस के साथ समझे चलते हैं कि आखिरकार मार्केट के अंदर कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बजट के लिहाज से सबसे अहम है। हमने कई सेक्टर्स की पैमाइश की है और आज के जो दो सेक्टर्स हैं उसमें जानेंगे कि इनकी स्थिति क्या है, आगे क्या हो सकता है, इनकी उम्मीदें क्या है। मैनेजमेंट भी हमारे साथ होगी और साथ ही मेरे साथ संदीप मेरे सहयोगी भी हैं जो कि इस पूरे सेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे। तो आपको ये बात जानने की इच्छा हो रही होगी आखिरकार सेक्टर कौन से हैं। तो आज के दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो बजट से कहीं ना कहीं सीधे सरोकार रखते हैं, आपसे भी और बजट से भी। वह है रिटेल, एक तो V2 रिटेल की मैनेजमेंट हमारे साथ होगी और साथ ही एग्री से जुड़ी हुई कंपनीज कुछ ऐसी हैं जिनको इस बार बड़ा फायदा मिल सकता है। और वो कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो एग्री के साथ साथ रेलवे से भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इस बार रेलवे का बजट भी क्लब होकर आएगा। इसलिए हमने एस्कॉर्ट्स को चुनने का फैसला किया कि एस्कॉर्ट्स को सेक्टर स्कैन के तौर पर एक सबसे बेहतरीन कंपनी बनते हैं जिसमें दोनों का फ्लेवर है। इसलिए सेक्टर स्कैन के अंदर आज आप मोटे तौर पर दो की हम बात तो करेंगे लेकिन एनालिसिस तीन का हो जाएगा, क्योंकि रेलवे में भी एस्कॉर्ट्स काफ़ी अच्छा काम करती है। संजीव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव होता जो कि टेक्निकल फंडामेंटल एनालिस्ट है शेरखान सिक्योरिटी से, उनसे भी हम जानेंगे कि फंडामेंटल व्यू सेक्टर्स के रिगार्डिंग क्या बनता है। और मेरे सहयोगी भी मेरे साथ हैं। पहले एक बार संदीप से ही जान लेते हैं कि आखिरकार इन दोनों सेक्टर की इस समय की सिचुएशन क्या है, उसके बाद मैनेजमेंट पर चलेंगे। संदीप, अभी आप V2 रिटेल की मैनेजमेंट अभी सुनेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले मेरे को जरा रिटेल का एनालिसिस करके बताइए, क्योंकि जब बजट की शुरुआत होने वाली होती है और खासकर नोटबंदी के बाद जब ये बजट हो तो रिटेल की इंपॉर्टेंस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, खास तौर पे नोटबंदी के बाद देखिए पूरे सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला नोटबंदी का, और उसके बाद ठीक है अब ये सेक्टर चाहता है कि कंज्यूमर सेंटीमेंट को रिवाइव कैसे किया जाए। एक मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर और आ रही है। देखिए खबरों का दांता लग रहा है, जी बिजनेस सबसे पहले आपको बता रहा है वो रेटिंग के रिगार्डिंग है। S&P की एक रेटिंग आई है जो कि इंडिया को लेकर दी गई है, उसमें कहा कि रिफॉर्म को लेकर भारत की रफ्तार अभी भी थोड़ी सी धीमी है, इसमें गति लेके आनी होगी। लेकिन जब जिस तरह के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि गति धीरे धीरे मार्केट के अंदर ज़रूर आएगी। तो S&P की यह खबर आई है, उसमें डेट टू GDP 60% के नीचे लेके आना बहुत ज़रूरी है, यानी कि GDP में जितना टोटल डेट है वो 60% से थोड़ा नीचे आना चाहिए। फिस्कल कंसोलिडेशन की रफ्तार भी आपको थोड़ी सी और तेज़ करनी होगी, क्योंकि इसमें रेटिंग का अपग्रेडिंग अभी संभव है। और फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल कंसोलिडेशन दोनों ही चीज़ हैं अलग अलग पैरामीटर से। फिस्कल डेफिसिट जो अब तक हम देख रहे हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन जो सरकार करना चाहती है, अगर ऐसा हो जाए यानी कि फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ हम तेज़ी से बढ़ते हैं तो फ़ायदा आपको GDP टर्म्स में भी मिलेगा, आपको फ़ायदा आपको ग्रोथ की जो टर्म्स में है वो भी अच्छी तरह से आता हुआ दिखेगा। तो ये S&P के बयान है कि रिफॉर्म्स को लेकर भारत की रफ्तार अभी थोड़ी धीमी है लेकिन फिस्कल कंसोलिडेशन को थोड़ा सा तेज कर दिया जाए तो शायद ये फायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो रेटिंग जो भी अभी आ रही है ये नोटबंदी के बाद की रेटिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बार जो बजट रखेगी वो ऐसा रखेगी कि सभी की सभी रेटिंग एक तरफा हो जाएंगी। अभी तो क्या है, सब स्कैटर्ड है, कोई कह रहा है 1.5%, कोई कह रहा है 0.5%, कोई कह रहा है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन बजट एक माइलस्टोन है इन सबको ठीक करने के लिए। तो फिलहाल ये खबर थी जो हमने आपके सामने रखी। संदीप, अब आप बताएं, आप रिटेल का एनालिसिस करके बता रहे थे कि अभी की सिचुएशन क्या है। नोटबंदी की बात आप S&P की रेटिंग में सुन रहे थे और नोटबंदी का जो इम्पैक्ट है रिटेल सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा हो, उसके बाद अब कंज्यूमर सेंटीमेंट को कैसे रिवाइव किया जाए ये सरकार से अब ये इंडस्ट्री जानना चाहती है। उसके लिए चाहिए कॉर्पोरेट टैक्स में कमी करे, इनकम टैक्स में कमी करे, या तो फिर जो टैक्स की स्लैब्स हैं उनमें कमी करे, तो इसके बारे में इंडस्ट्री जानना चाहती है, या तो फिर जो टैक्स की दरें हैं उसमें कटौती कर दी जाए, तो उससे कहीं ना कहीं जो बाइंग पावर है कंज्यूमर्स की उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। और छोटी छोटी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं डिम्पी सेक्टर की, जिसमें GST अगर लागू हो जाता है 1 जुलाई से, जिसको सरकार ये इंडस्ट्री चाहती है कि सुनिश्चित करे, तो काफ़ी सारी ऐसी छोटी दिक्कतें जो कि अपने आप में GST लागू होने से खत्म हो जाएंगी। लेकिन हाँ, जब तक GST लागू नहीं होता तो उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि छोटी कंपनी के लिए जो कमर्शियल रेंट है उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता है, जो कि इनके लिए बहुत बड़ा डेंट है। वो ये कंपनियाँ चाहती हैं, खासतौर पर छोटी कंपनियाँ जो 10 लाख से कम रेंट पे करती हैं, उनके लिए जो सर्विस टैक्स लागू होता है उसको हटा दिया जाए। दूसरी बात है कानून व्यवस्था में सुधार हो। देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ये कंपनियाँ चाहती कि उसमें सुधार देखने को मिले, और साथ ही साथ कुछ जो नियम हैं चाहे वो कर्मचारियों को लेके हो या तो फिर जो ये जो रेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं उसको लेके जो लॉ के जो नियम हैं उसको काफी कड़ा कर देना चाहिए। ऐसा खास तौर पे जो रिटेल स्पेस में कंपनीज हैं वो ऐसा सुनना चाहती है इसको लेके कि कड़े नियम किए जाएं जिससे इनको ज्यादा दिक्कतें ना आए। अगर कोई केस फाइल होता भी है, कोई मॉल प्रैक्टिस होती भी है, तो उसको लेके इन कंपनियों की सुनवाई हो कम से कम। ठीक है, ये बेहतर बात आपने बताई। देखिए रिटेल एक ऐसा सेगमेंट है जिससे हर रिटेल जुड़ा हुआ है, यानी कि हर आदमी से जुड़ा हुआ है, और इसकी दिक्कत भी ज्यादा है, तो हो सकता है सुनवाई भी इस बार बजट के अंदर ज्यादा होती हुई दिखे। मिस्टर RC अग्रवाल जो कि चेयरमैन है V2 रिटेल के,
थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन इस बीच पहले एक फंडामेंटल व्यू भी जान लेते हैं। मिस्टर संजीव होता हमारे साथ हैं। संजीव, इस सेक्टर में अभी की सिचुएशन देख के ये समझें कि बजट में जो भी अनाउंसमेंट होगा एक बड़ा रिलीफ के तौर पर होगा। जी देखिए, रिटेल एक बहुत बड़ा सेक्टर है और जब बजट से बहुत सारी संभावनाएं हैं जो इंडस्ट्री की विजलिस्ट बन के आ रही है। सबसे बड़ा मुझे जो लग रहा है कि द रिटेल सेक्टर इज वेटिंग फॉर इज द एफडीआई क्लैरिटी, कि सिंगल ब्रांड रिटेल में क्या क्लैरिटी है। गवर्नमेंट ने कुछ ड्राफ्ट पेपर रिलीज़ किया है कि 100% एक अलाउ करेंगे सिंगल ब्रांड रिटेल में, तो उस पर डेफिनेटली रिटेल सेक्टर एक क्लैरिटी चाह रहा होगा कि व्हाट इज़ द रोड अहेड फॉर द सिंगल ब्रांड रिटेल एफडीआई पॉलिसी। और आपने ऐसे जैसे कवर किया कि ये जो रिमोटाइजेशन कितना जल्दी होगा, कि जितना जल्दी रिमोटाइजेशन होगा उतना जल्दी ये सेक्टर फिर से नॉर्मल होगा, उतना जल्दी एक बाइंग आएगा लोगों के हाथ में, फिर बाय करेंगे लोग, तो वो भी एक क्लैरिटी चाहिए ये रिटेल सेक्टर को कि कितना जल्दी गवर्नमेंट ये रिमोटाइजेशन करता है। और थर्ड है कि जीएसटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिटेल सेक्टर के लिए, तो उसका एक रोडमैप डेफिनेटली बजट पे क्लैरिटी चाह रहा होगा रिटेल सेक्टर। तो ये तीनों मुझे लगता है कि मेन है, मेन रहेंगे। लेकिन इस बीच दो खबर आप देखिए। पहला तो भारत और अबू धाबी के बीच में करीब 14 नए करार हुए हैं, ये बिजनेस को लेकर नए करार हुए हैं, जो आप नीचे फ्लैश में भी देख पा रहे हैं अभी कि भारत और अबू धाबी के बीच में अच्छा करार हुआ है। और दूसरी खबर जो मैं बता रहा था कि यूरोपियन बाजार बढ़त के साथ खुले हैं। ज़्यादातर आप इंडाइसिस देखिए, फुटसी डैक्स या कैक, इन सब के अंदर करीब 0.5% से कुछ ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। तो दो खबर मार्केट के अंदर और पॉजिटिवनेस लेके आ रही है। ये 8500 के लेवल के आसपास अगर आपको इस तरह की खबरें आती हुई दिखती है, तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ट्रेडर्स का वो बढ़ जाता है। ये बात बिल्कुल तय है कि बाजार के अंदर जब अच्छी खबरें आती है तो इकट्ठी आती है और बुरी भी इकट्ठी आती है। तो फिलहाल अच्छी खबरों का सीजन है, एंजॉय कीजिए। तेल गैस में निवेश को लेकर बड़े करार हुए हैं। भारत और यूएई के बीच में 14 करारों की खबर आई है और अभी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और यूएस के प्रिंस की तरफ से। और इस पे आप देख रहे हैं कि रिएक्शन भी अलग अलग स्टॉक्स पे आ रहा है। यूरोपियन बाजार काफ़ी स्ट्रांग खुले हैं, ये खबर भी हमने आपके सामने रखी है। आरसी अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं, चेयरमैन हैं V2 रिटेल के। अग्रवाल जी, पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए और ठीक बजट से पहले आप समय दे रहे हैं, इसके लिए फिर से आपको शुक्रिया। अभी की सिचुएशन है उसमें अपने रिसर्च एनालिस्ट से समझ रहे थे कि आपकी मांगें इस बार शायद थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। एक तो नोटबंदी के बाद का फैक्ट है और वैसे भी यूजली रिटेल को सिंप्लीफिकेशन को लेकर आपके मन में कई ऐसे सवाल थे जो वित्त मंत्री के आप मुझसे सुनना चाहेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वित्त मंत्री क्या बोले जब आपको खुशी महसूस होगी, ऐसा क्या सुनना चाहते हैं आप उनके मुँह से, आपको लगेगा वाह बहुत बढ़िया बजट आया इस बार। देखिए, बजट अभी बहुत बड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं लगती है मेरे को। उसके पहले मेरे लिए बहुत बड़े बड़े इश्यूज है जो बिजनेस फर्स्ट वाली पॉलिसी के तहत सरकार को करनी चाहिए। और उसमें सबसे पहले है कि जो जस्टिस सिस्टम हमारा, वो कोई भी केस किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर कुछ कर देता है, झूठा केसेस। मेरे ऊपर 50 केसेस चल रहे हैं और सारे झूठे हैं और वो 8-10 साल जस्टिस सिस्टम ले लेता है। तो हमको एक पॉलिसी बनानी चाहिए बिजनेस फर्स्ट की, और उसमें सबसे पहले हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ये जो जस्टिस सिस्टम में सुधार करने चाहिए, जिससे कि वन डे जस्टिस, वन वीक जस्टिस, वन मंथ जस्टिस, जो इमीडिएट जस्टिस मिले आदमी को। और जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने एक शोरूम अभी बुकिंग किया और वो खुलने वाले दिन शोरूम का लैंडलॉर्ड मेरे को बोलता है कि भाई साहब आप इसका रेंट बढ़ाइए, नहीं तो मैं आपका शोरूम ओपनिंग नहीं करने दूंगा। हम लोग पुलिस के पास गए तो पुलिस बोलती है कि नहीं ये तो सिविल केस है, आप कोर्ट में जाइए। अब मैं जानता हूँ कोर्ट में जाऊंगा तो 10 साल लग जाएंगे मेरे को जस्टिस मिलने में। तो सबसे पहले जस्टिस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आता हूँ दूसरी बात सिक्योरिटी की। प्लीज बोलिए। हाँ, तो एक तो मैं सरकार से एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर वो बिजनेस फर्स्ट वाली पॉलिसी लाए, और सबसे पहले अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो नौकरियां होगी, जीडीपी बढ़ेगी, सारा टैक्सेशन बढ़ेगा। तो अगर बिजनेसमैन को हर तरह की सुविधाएं देंगे, जैसे कि ये जस्टिस सिस्टम है, दूसरा जो टैक्स के जो अथॉरिटीज है वो कोई भी इरेशनल जजमेंट सुना देते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, मेरे ऊपर विशाल मेगा मार्ट में 12 करोड़ का पीएफ का केस कर दिया। फिर ठीक है, मेरे को जस्टिस मिला 6 साल बाद, 6 साल बाद मेरे फेवर में केस आया, लेकिन 6 साल तो मेरे उसमें उलझ गए ना, और मेरा कितना समय बर्बाद हुआ। और मैं आपको 150 ऐसे लड़के खड़े कर दूंगा जो कि 5,000 में मेरे यहाँ ज्वाइन किए और आज उनकी सैलरीज 10 साल में 1.5-1.5 लाख रुपए सैलरीज है।
तो सरकार को कुछ नहीं करना है, सरकार को एक ऐसा बेस देना है जिससे बिजनेस आगे बढ़े, और बिजनेस आगे बढ़ेगा। मेरे अंडर में करीब करीब 5,000 करोड़पति बने मेरे से, विशाल मेगामार्ट से और V2 से। तो सरकार अगर बिजनेस बढ़ाएगी तो अपने आप देश आगे बढ़ेगा। सरकार को छोटी मोटी बातें छोड़ के, और ये मैंने 20 बजट देख लिए, बजट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1% टैक्स इधर 1% उधर। पहले सरकार को ये सब मुद्दे ठीक करने पड़ेंगे जिससे कि मामला आगे बढ़े। ठीक है मिस्टर अग्रवाल, कुछ और अहम मुद्दे भी हैं जिस पे हम आपकी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच बजट को लेकर लगातार और बड़ी खबरें भी आ रही हैं, आइए उनका रुख भी कर लेते हैं। प्रस्तुतकर्ता यस बैंक इंडिया बोले यस, पावर्ड बाय कून स्वदेशी नेटवर्क, फ्री ऑल इंडिया रोमिंग के साथ। इस बीच एक ब्रेकिंग खबर सर्विस टैक्स को लेकर आ रही है, और आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़े हैं यही बताने के लिए कि क्या वो खबर है। आलोक बताएं, सर्विस टैक्स को लेकर क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं? देखिए, GST जैसे सरकार ने लागू करने की बात कही है, उसके बाद से माना जा रहा था कि सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी होगी, लेकिन बजट में इस बार इस सर्विस टैक्स को लेकर एक रोड मैप का ऐलान हो सकता है, और ये बताया जा सकता है कि सर्विस टैक्स में भी GST की जिस तरह से 4 दरें हैं, वैसे सर्विस टैक्स में भी 2 दरें हो सकती हैं। जिस पर विचार चल रहा है वो 2 दरें हैं, 12% और 18%। माना जा रहा है कि इस बार बजट में ये बताया जाएगा कि 2 स्लैब्स होंगी, और जो नज़दीकी स्लैब होगा, नज़दीकी टैक्स रेट होगा, उसको उसमें फिट करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो अभी जो सर्विस टैक्स लगता है सेस वेस मिलाकर 15.5% के आसपास लगता है, तो उसको बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा, और कुछ चीज़ों पर जो सर्विस टैक्स है वो 12% रहेगा। एसेंशियल कमोडिटी पर, जिस पर कई सारी चीज़ों पर टैक्स नहीं भी लगाया जा सकता है, तो ये तमाम तरह की बजट में एक्सरसाइज होगी। हालांकि ये बजट में ये नहीं बताया जाएगा किस वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा, लेकिन बजट में एक रोड मैप का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि GST के बारे में सरकार ये कह चुकी है कि 1 जुलाई से GST रोल आउट करना है। तो अब वित्त मंत्रालय को इस तमाम चीज़ों पर डिसाइड करना है कि किन वस्तुओं पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा। इसी वजह से बजट में एक रोड मैप ऐलान हो सकता है कि सर्विस टैक्स की क्या दरें हों, क्या स्लैब्स हों, और जो हमारी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 12% और 18% की सर्विस टैक्स की 2 दरें हो सकती हैं, जिसमें जो गैर जरूरी चीज़ें होंगी उसमें ज़्यादा टैक्स होगा, और जो एसेंशियल चीज़ें होंगी उस पर कम टैक्स होगा। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ आप हमको और बताइए कि सर्विस टैक्स की जो लिस्ट है इसमें प्रोडक्ट कितने बढ़ या घट सकते हैं, इसकी भी कोई जानकारी है? स्लैब तो ठीक है आप बता रहे हैं 12-18 होगा, प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे घटेंगे? जी, जिस प्रोडक्ट पर अभी 12% के आसपास टैक्स है उसको 12% वाले स्लैब में रखा जाएगा, या फिर या अभी जिस पर 15.5% या इससे ज़्यादा टैक्स बन रहा है सेस के साथ, उसको 18% पे ले जाया जाएगा। तो ये अभी कई सारे जितने भी आइटम्स हैं उसको अभी वित्त मंत्रालय ने एक्सरसाइज नहीं किया है अभी तक। जो बातचीत चल रही है वित्त मंत्रालय में, उसमें अभी 2 स्लैब पर चर्चा चल रही है, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कौन सी वस्तु किस स्लैब में होगी, और उसके बाद इसको बजट जब GST रोल आउट किया जाएगा उस वक्त ऐलान किया जाएगा। लेकिन बजट में एक रोड मैप होगा, GST के सर्विस टैक्स के 2 स्लैब्स का भी ऐलान हो सकता है। ठीक है डन, आलोक शुक्रिया आपका ये एक ब्रेकिंग खबर हम तक पहुंचाने के लिए कि 2 स्लैब में तो होगा, कुछ एक प्रोडक्ट्स को लेकर अभी फाइनल डिसीजन नहीं, एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन जिस समय GST हो सकता है फाइनल हो उस समय भी चीज़ें आ सकती हैं। ये तो एक अहम खबर है जो कि GST, और साथ ही ये कहें कि सर्विस टैक्स जो कि अब ज़्यादातर अब लोग सर्विसेज से जुड़े हुए हैं तो उस पर पूरी तरह से असर डालेगी, ये ब्रेकिंग खबर आपके सामने है। चले हम इसके बारे में बातचीत कर रहे थे अभी रिटेल सेगमेंट के बारे में, और इसमें मिस्टर अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर अग्रवाल, एक खबर अभी आप देख भी रहे थे सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग, शायद आप जो कह रहे थे कि सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए और जो चीज़ें होनी चाहिए उस पर सरकार धीरे धीरे आगे तो बढ़ रही है, लेकिन आपके सेक्टर्स की जो मैं कुछ एक प्रॉब्लम समझ रहा था तो उसमें हमको रिसर्च एनालिस्ट संदीप ने ये बताया कि मर्जर एंड एक्विजिशंस को लेकर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आप सस्ते ढीले करवाना चाहते हैं, और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि नोटबंदी के बाद सरकार थोड़ा सा और सहायता करे आपको फंडिंग को लेकर, ट्रांजेक्शंस को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर। ये विश लिस्ट भी आपकी है इस बार? नोटबंदी का हमारे बिजनेस में 3-4 दिन केवल असर हुआ, अब एकदम नॉर्मल है, नोटबंदी का कोई असर नहीं है, ठीक है। और मेरे को लगता है धीरे धीरे सारे बिजनेस ही नॉर्मल हो जाएंगे नोट, जैसे जैसे नोट सर्कुलेशन में आ रहे हैं। लेकिन मैं वापस घुमा फिरा के बात वहीं लेके आना चाहूँगा कि सरकार ऐसा माहौल बनाए जिससे कि बिजनेस को बढ़ावा मिले, बिजनेसमैन को बढ़ावा मिले, और बिजनेसेस आगे बढ़े। बिजनेस आगे बढ़ेगा तो सारा देश आगे बढ़ेगा, नौकरियां पैदा होगी,
मेरा इसमें एक और मानना है कि PFASI में बहुत लोग इनरोल नहीं करना चाहते हैं, वो लोग डरते हैं कि भैया ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला बात है। तो मेरे ख्याल से जहां पर 100 लोगों तक का PFASI में इनरोलमेंट सरकार को हटा देना चाहिए, 100 लोगों तक का बिजनेस इंडस्ट्री, जो लोग 100 लोगों तक को एम्प्लॉयमेंट देते हैं उनको PFASI हटा देना चाहिए। ठीक है, आप ड्यूटी कम भी चाहते हैं क्या जो इम्पोर्टेड सामान होता है उस पर? नहीं, हम चाहते हैं, अगर अगर टैक्स का बात करें तो हमारे लिए GST सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर GST आ जाएगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हमारा जगह जगह जो गाड़ियां रुकती है वो सब कम हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, हमारा सी फॉर्म एफ फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे GST के आने से बहुत सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। दूसरा कुछ हमारा PFA का केसेस वगैरह का कुछ होता है कि भाई वो जो जो वेट एंड मेजरमेंट वाले हैं वो कोई भी चीज को लेके, छोटी सी चीज को लेके और उसको सीधा डायरेक्टर को कॉल कर लेते हैं कि भैया डायरेक्टर को बुलाओ थाना में या डायरेक्टर को बुलाओ कोर्ट में। तो उसके कारण हम लोगों को बहुत, हम लोगों ने RAI में भी बोला है, रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में, कि भैया डायरेक्टर को क्यों इन्वॉल्व करते हैं, उसमें कोई ऑफिसर भी जा सकता है कंपनी का। सही बात। और वो सब बहुत चीजें सिंप्लीफाई करने की दरकार है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट इस बार। और ये मालूम नहीं मैं, मेरे बोलने से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका जरा सा भी कोई कॉन्टेक्ट है गवर्नमेंट के नुमाइंदों के साथ तो आप प्लीज ये बात रखिए उनके साथ, और कुछ इस पर ठोस जवाब आना चाहिए कि हाँ कोई भी जस्टिस सिस्टम है तो एक जस्टिस सिस्टम ऐसा निकाला जाए कि भैया नहीं आपको ये, अगर आपने केस हुआ तो इसका एक दिन में फैसला होगा। ठीक है, केमिस्टर अग्रवाल आप जो बात कह रहे हैं कि नो डाउट इसका असर जरूर पड़ेगा, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कम से कम रिटेल को लेकर एक बड़ी बात रखे। और जो आपने बात रखी है कि एक तो जस्टिस की, दूसरा मर्जर एंड एक्विजिशंस के नियम को लेकर, और साथ ही आप जो बता रहे हैं कि थोड़ा और क्लैरिटी की ज़रूरत होगी GST पर जल्दी जल्दी सरकार लागू करे, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार ये बात सुने और इस पर आगे बढ़े।